नमस्ते, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावलों से बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट। तो हम बनाने वाले हैं मुठिया, इसमें लौकी का यूज़ भी करेंगे, तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। बचे हुए चावलों को हम अक्सर फेंक देते हैं, तो ये टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बना लीजिए। चलिए जल्दी से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये बचे हुए चावल और इसको हाथ की हेल्प से हम ऐसे तोड़ लेंगे और मैश कर लेंगे थोड़ा। देखिए इस तरीके से, अच्छी तरीके से इनको मैश कर लेना है। तो ये हो गए हैं थोड़े थोड़े मैश। और ये मैंने 250 ग्राम लौकी ली है, इस लौकी को हम इन्हीं चावलों में कद्दूकस कर लेंगे। तो इसमें हम कद्दूकस कर लेते हैं इसे। और हम लेते हैं यहाँ पे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ हैं, 2 हरी मिर्च है जिन्हें मैंने कूट लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो इसमें बारीक कटे हुए प्याज भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने डाल दिया है 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन और 2 चुटकी जितना हम इसमें ऐड करेंगे हींग, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसको चटपटा टेस्ट देने के लिए लाल मिर्च पाउडर भी डाला है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 ही चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए करी पत्ते, 5-6 करी पत्ते काट के रखे हैं वो डाल दिया, कटा हुआ हरा धनिया, हरा धनिया आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अब ये लिया है मैंने बेसन, तो बेसन मैंने 1/2 कप लिया है, लेकिन मैं उसमें से थोड़ा सा बचा देती हूँ, ज़रूरत होगी तो हम इसमें फिर डाल लेंगे। अब लिया है मैंने यहाँ पे 1/2 कप, उसी कप से चावल का आटा, उसी सेम कप से लिया है, तो ये मैं पूरा डाल देती हूँ। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा गेहूँ का आटा भी डालेंगे, तो ये उस 1/2 कप से भी आधा यानी कि 1/4 कप जितना गेहूँ का आटा मैंने डाला है। और आप कोई भी आटा अपने मन पसंद ले सकते हैं, मक्के का आटा या सिर्फ चावल के आटे से या सिर्फ गेहूं के आटे से भी ये बना सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप आटे को। अब हम डालेंगे इसमें 4 चम्मच दही, फ्रेश वाला दही है, दही बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा हमारे मुठिया को। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाँ, मिक्स करने से पहले हम इसमें डाल देंगे 1 चुटकी खाने का सोडा, ये ना भी हो तो भी चलेगा क्योंकि हमने इसमें दही डाला हुआ है, और 2 छोटी चम्मच जितना कुकिंग ऑयल डाल दीजिए। और अब हम इसे मिक्स करेंगे, तो अच्छी तरीके से इन चीज़ों को मिक्स कर लीजिए इस तरीके से, और एक घोल तैयार कर लेंगे हम। घोल मीन्स पतला नहीं करना है हमें, रोटी के आटे से थोड़ा सॉफ्ट रखना है। तो ये देखिए ये तैयार हो गया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये मुठिया बनाने के लिए एकदम रेडी है। तो अब हम एक होल वाला बर्तन ले लेंगे, ये देखिए ऐसी एक प्लेट ले लीजिए जिसमें होल बने हुए हो, और ऑयल लगा के ग्रीस कर देते हैं ताकि मुठिया चिपके ना इसमें। अब बना लेते हैं मुठिया। तो हाथों में थोड़ा पानी लगा लिया है और ये ले लेंगे हम और सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको सिलेंड्रिकल शेप दे देना है, और सारे मुठिया हम इसी तरीके से बना के रेडी करेंगे। और इस होल वाली प्लेट में हम ऐसे रख देंगे, थोड़े दूर दूर पे हमें मुठिया रखने होंगे क्योंकि ये फूल जाएंगे पकने के बाद। देखिए यहाँ पे 4 मुठिया मैंने बनाया है और थोड़ा सा और बचा हुआ है घोल, तो मैं इसको दूसरी ट्रिप में कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक पतीले में 2 गिलास पानी अच्छे से गर्म कर लिया है, तो पानी को अच्छे से उबाल आने दीजिएगा तभी आप मुठिया रखिएगा। पानी अच्छे से उबल गया है और मुठिया की प्लेट इस तरीके से मैंने रख दी है। एक प्लेट से हम इसे अच्छे से ढक देंगे और इससे भाप बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसे सेट करके रखिए। 15 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे। तो देखिए 15 मिनट बाद मैं खोलती हूँ और चेक कर लेते हैं कि हमारे मुठिया स्टीम हुए हैं क्या। तो अभी चाकू में ये चिपक रहा है तो नहीं हुए हैं। 5-10 मिनट के लिए हम फिर से ढक के छोड़ देते हैं। आप स्टीमर में भी बना सकते हैं इनको। फिर से मैंने 10 मिनट बाद खोल के देखा है, तो चेक कर लेती हूँ। अब तो पक ही गए होंगे ये, देखिए चाकू क्लीन आ रहा है, तो ये पक गए हैं।
20 मिनट में तो पक्के पक जाते हैं, 20-25 मिनट में। तो ये रेडी है, इन्हें निकाल कर मैंने ठंडा कर लिया है, प्लेट को अलग रख दिया था। और बहुत अच्छे से ठंडा होने दीजिए, फिर इनको हम कट करेंगे। गरम गरम आप कट नहीं करना, नहीं तो ये अच्छे से कट नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और फूल गए हैं, क्योंकि इसमें हमने खाने का सोडा भी डाल दिया था, दही भी था। और इस तरीके से पीसेस में काट लेते हैं, फिर इनको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और आप तेल इससे भी कम खाना चाहते हो तो और कम तेल में कर लीजिए। आधा चम्मच डाल दिया है राई, आधा चम्मच जीरा, और एक चम्मच मैं ये ब्राउन वाले तेल डालूंगी, आप वाइट वाले तेल भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इन तीनों चीज़ों को तड़कने देंगे, गैस का फ्लेम थोड़ा सीम कर दीजिए, नहीं तो जल जाते हैं ये। और कटे हुए सारे मुठिया इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इनको हमें अल्टी पल्टी करना है, तो हल्के हाथों से इन्हें पलट दीजिए। और आपको थोड़े करारे क्रंची खाना है तो थोड़ा ज़्यादा फ्राई होने दीजिए। यहाँ पे हम इनको सेलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो देखिए ऐसे अलटते पलटते रहिए थोड़ी थोड़ी देर में। तो मैं इनको थोड़ा सा ब्राउन फ्राई होने दूंगी यहाँ, और बस ये रेडी हो जाते हैं सर्व करने के लिए। धीरे धीरे करके सारे मुठिया इस तरीके से पलट दीजिए, और देखिए हल्के हल्के से ब्राउन हो गए हैं, ये एकदम रेडी हैं सर्व करने के लिए। आप इसको चटनी के साथ, सॉस के साथ, या फिर ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी और हरे धनिया से गार्निश कर दूँगी। तो देखिए हरा धनिया डाल के गार्निशिंग कर दी है, बिल्कुल रेडी है हमारे मुठिया। कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू।